राम भारत संकट में है। आकाश सुने, पाताल सुने, मैं सूर्यवंशी रामचंद्र प्रण करता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करवाऊंगा। तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही है। बीते दिनों ये कहा गया कि इस फिल्म में राम और सीता के किरदार में बॉलीवुड इंडस्ट्री के पावर कपल नजर आने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि कपूर खानदान के लाडले बेटे रणबीर कपूर यहाँ पर श्री राम के किरदार में नजर आएंगे और उनकी धर्म पत्नी यानी की एक्ट्रेस आलिया भट्ट यहाँ पर माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। बता दें कि नितेश तिवारी की फिल्म रामायण इन दिनों लगातार चर्चाओं में बनी है। फिल्म की कास्टिंग लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। खबरें हैं कि फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और आलिया भट्ट माता सीता के रोल में नजर आएंगे। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ गई है कि KGF फेम यश रामायण में रावण की भूमिका निभा सकते हैं। जी हाँ, इनसाइड सोर्सेस का ये कहना है कि स्टारकास्ट को जल्द से जल्द फाइनलाइज किया जा रहा है। मेकर्स इस वक्त पहले स्टारकास्ट को फाइनल कर रहे हैं क्योंकि फिल्म की लगभग चीजें फाइनलाइज्ड हो चुकी हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर और डबल नेगेटिव कंपनी के मालिक नमित मल्होत्रा हैं। डायरेक्टर नितेश तिवारी और नमित अपने मैग्नम ऑपस फिल्म को बड़े पर्दे पर लाने के लिए काफी सारी तैयारियां कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को मेगा स्केल पर शूट करने की प्लानिंग चल रही है। साथ ही साथ कास्ट को लेकर VFX को लेकर सब कुछ ग्रैंड रखा जाने वाला है। कहा तो ये भी आ रहा है कि इस रामायण को 3 हिस्सों में बनाया जाएगा क्योंकि यह महाकाव्य से प्रेरित होने वाली है। ऐसे में रामायण को शुरुआत से लेकर अंत तक 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ घंटे 2 घंटे की फिल्म में बांटा नहीं जा सकता है। वह आपको बता दें कि नितेश तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी इस फिल्म को खुद से मास्टरपीस बता दिया है। उन्होंने कहा है कि महाकाव्य की इस कहानी को पर्दे पर और भी ज्यादा ग्रैंड बनाने के लिए VFX पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ कई और नई चीजें भी इस फिल्म में एड ऑन की जाएंगी। वेल, जहां बीते दिनों फिल्म आदिपुरुष को नेगेटिव रिस्पांस मिला है तो वहीं नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और उनका ये कहना है और मानना है कि इस फिल्म में काफी कुछ दमदार होगा और ये महाकाव्य से ही प्रेरित होगा और इसमें काफी कुछ पुराना ही दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट जल्दी ही कर दी जाएगी और इस फिल्म का ट्रेलर इस साल दिवाली के मौके पर आपको बड़े पर्दे पर देखने को भी मिल जाएगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि इस फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है।